दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होती है, और साथ में इसका कारण भी जानेंगे, वो भी बारीकी से कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। लेकिन इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा ताकि आपको हर चीज समझ में सही ढंग से आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आप रेड रेड कलर का देख रहे हैं, एक्चुअली यह सूर्य है। क्या है सूर्य? मतलब कि सन। यह एक आग का गोला है जो कि बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है यह भी आपको अनुमान लग जाएगा। तो चलिए, यह है सूर्य और इसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और अभी टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि प्लूटो जो है वो सूर्य के बहुत दूर था, इसीलिए उसको हटा दिया गया। तो अभी टोटल 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहला नंबर में आता है बुध ग्रह। अब अगर भाई ये ग्रह है तो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाएगा, ये तो 100% गारंटी है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है शुक्र। शुक्र भी भाई ये सन का पूरा चारों ओर चक्कर लगाएगा। और थर्ड नंबर में आती है पृथ्वी। क्या आती है? पृथ्वी। ये भी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाएगी। और कितना दिन में लगाएगी? 365 दिन 6 घंटा में। कहने का मतलब ये है, मान के चलिए आज पृथ्वी जो है यहां पर है, अब ये पृथ्वी यहीं पर पहुंच जाए कुछ समय बाद, तो वो होता है 365 दिन 6 घंटा। मतलब इधर से चलते 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 ये यहां पर आ जाए, तो समझ जाइए कि 1 साल हो गया। और इसी के वजह से मौसम परिवर्तन होता है, कभी गर्मी आया तो कभी ठंड आया तो कभी बरसात आया, है कि नहीं? ये पाराबोला पथ पर घूमती है। कौन? पृथ्वी, या फिर और भी ग्रह जो है पाराबोला, देख सकते हैं ये पाराबोला का आकृति बन रहा है अंडाकार जैसा, और उसी पर क्या करती है पृथ्वी? परिक्रमण करती है। किसका? सूर्य के चारों ओर। और हम आपको बता देते हैं सूर्य बहुत बड़ा है, हालांकि यहां पर आपको छोटा सा दर्शाकर बताया गया है। बता देते हैं आपको, सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा जाएगी। आप जो पृथ्वी देख रहे हैं पूरा, ये अगर ऐसा ही 13 लाख पृथ्वी रे तो उस सूर्य में समा जाएंगे, इतना बड़ा है। हालांकि यहां पर देखने में लग रहा है कि ये वाला पृथ्वी जो है अगर 300-400 रहेगा तो ये पूरा भर जाएगा सन, लेकिन ऐसा बात नहीं है, 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, इतना बड़ा सूर्य है, बहुत बड़ा है। और इसके चारों ओर 8 ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं, जो नज़दीक नज़दीक हैं, क्लियर? और सबका अलग अलग समय भी है। बुध ग्रह जो है बहुत जल्दी चक्कर लगाएगा, है कि नहीं? इस तरह से बातें हैं। चलिए आज का जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे कि 6 महीना दिन और 6 महीना का रात कहाँ पर होती है और क्यों होती है। लेकिन उसके पहले आपको एक फंडा को समझना पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर तो लगाती ही है, लेकिन साथ में अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमती भी है, घूर्णन करती है। जैसे कि यहां पर हम आपको क्या बताए थे, जैसे कि यहां पर पृथ्वी है सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रही है तब 1 साल हो रहा है, लेकिन साथ में अपने जगह पर अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करके घूमती भी है, ठीक है? तो चलिए उस पृथ्वी को हम यहां पर ले आए और देखिए किस एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमती है, ये हम यहां पर आपको बता देते हैं। ये वाला जो आप एक्सिस देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम यहां पर इसको सीधा खींचते हैं। चलिए यहां से ये वाला जो आप एक्सिस देख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग घूमती है। आपको थोड़ा सा एक्सिस झुका हुआ लग रहा होगा, है कि नहीं? जी हाँ, झुका हुआ है, वो भी 23.5 डिग्री। कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री ये जो एक्सिस है यानी पृथ्वी है झुका हुआ है, और इस तरह करके घूम भी रही है, अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे घूर्णन भी कर रही है और साथ में पृथ्वी का चक्कर भी लगा रही है। अब घूर्णन की वजह से दिन रात होता है, और परिक्रमण की वजह से क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे कि मान के चलिए कि यहां पर सूर्य है, कहां पर? यहां पर क्या है? सूर्य है। अब जब अगर यहां पर सूर्य है तो यहां से रोशनी निकलेगी, यहां से क्या करेगी? रोशनी निकलेगी। अब ये रोशनी जो है इस पृथ्वी पर पड़ेगी, अभी इस भूभाग पर पड़ेगी। कहां पर? इस भूभाग पर, ठीक है, सीधे तौर पर या फिर तिरछे तौर पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पड़ तो रही है। अब जैसे ही अगर ये घूर्णन करेगी तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इधर आने लगेगा धीरे धीरे। अब जैसे ही इधर आएगा तो ये वाला इधर छुप जाएगा और इधर वाला जो पार्ट है इधर दिन हो जाएगा, बस में आ रही है। तो जैसे जैसे घूमती है उसी की वजह से क्या होता है? दिन और रात होता है। सूर्य का जो रोशनी है तो पड़ ही रही है लगातार एक ही जगह से, लेकिन घूर्णन कर रही है इसीलिए दिन और रात हो रहा है। चलिए आज का मुद्दा पर हम अब डायरेक्ट आते हैं। देखिए पृथ्वी है, अब यहाँ पर 6 महीना का दिन और रात क्यों होता है इसको समझिए। मान के चलिए कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या है? सूर्य है, सूर्य देवता,
देखिए, अब अगर ये सूर्य है तो इससे रोशनी निकलेगी, क्या निकलेगी, रोशनी निकलेगी। अब इससे जो रोशनी निकलेगी वो पृथ्वी पर पड़ेगी, ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी पर ही पड़ेगी, और भी इसके चारों ओर ग्रह हैं उन पर भी पड़ेंगी। लेकिन हम पृथ्वी पर रहते हैं भाई, तो पृथ्वी का बात करेंगे, और इसी पर दिन रात छः महीना का होता है तो इसी की बात करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि मुद्दा तो यही है। चलिए अब पाराबोला एक पथ बनाते हैं जिस पर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण करती है सूर्य का। चलिए पाराबोला पथ जो है एक्चुअली मान लेते हैं ये है, ये पाराबोला पथ है, क्लियर। अब इसी के चारों ओर जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ये चक्कर लगाती है, मान के चलिए यहाँ से प्रारंभ की और धीरे 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 ऐसे करके करते 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 ये इसी जगह पर पहुँच गई। तो यहाँ से यही जगह में पहुँचने तक एक साल का समय लग जाता है, यानी 365 दिन 6 घंटा का समय लग जाता है, क्लियर। तो इससे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन भी होता है, जैसे कि मौसम में परिवर्तन इसीलिए होता है जैसे कि ये वाला क्या है पाराबोला पथ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सूर्य से ये वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, अगर ये पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो सूर्य का रोशनी थोड़ा तेज पड़ेगी जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी रहेगा, है कि नहीं, और जैसे जैसे दूर चली जाएगी तो थोड़ा ठंडक महसूस होगा, है कि नहीं। तो ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। चलिए परिक्रमण करने की वजह से क्या होता है, एक साल होता है। अब साथ में हम आपको क्या बताएं कि पृथ्वी अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमती भी है, जैसे कि हम आपको बताएं कि 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर ये जो पृथ्वी है झुकी हुई है। चलिए ये वाला जो है, ये वाला आप एक्सिस देख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग ऐसे करके घूमेगी। अगर ऐसे करके घूमेगी तो आप सोच सकते हैं, अगर ये वाला एक्सिस है तो यहाँ पर ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं ये वाला, इस पर क्या होगा, इस टाइम सूर्य का रोशनी जो है सीधे तौर पर पड़ेगा, एकदम निश्चित रूप से पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ से सूर्य का रोशनी एकदम सीधे यहाँ पर पड़ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ तक दिन रहेगा, तो निश्चित है कि नहीं। तो देखिए ये वाला जो उत्तरी ध्रुव है एक्चुअली, हाँ एक चीज बता देते हैं, ऊपर वाला कहलाता है ये वाला उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और नीचे वाला साउथ पोल, यहाँ पर समझिए उस चीज़ को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के विषय में हम वीडियो एक बनाए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं, हाँ पूर्व पश्चिम अब किधर होगा, अगर ऊपर में उत्तर है नीचे दक्षिण है, क्लियर। तो इधर जो दाहिना साइड आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर रोशनी पड़ रही है सीधे तौर पर या फिर तिरछे तौर पर, जहाँ तक पड़ रही है वहाँ पर दिन रहेगा, तो ये वाला पार्ट्स में क्या रहेगा, दिन रहेगा, और यहाँ पर भी दिन रहेगा। क्यों दिन रहेगा भाई, क्योंकि भाई पृथ्वी झुकी हुई है, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, जिसके वजह से सूर्य का रोशनी इस पर पड़ रहा है सीधे तौर पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए ये वाला जो पृथ्वी है अगर घूमते घूमते इस जगह पर भी आ जाए, तो पृथ्वी का जो रोशनी है यहाँ पर पड़ते रहेंगी, या फिर अगर यहाँ पर भी रहेंगी तो भी यहाँ पर पड़ेंगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस पॉइंट से, इस जगह से लेकर इस पॉइंट तक जो है पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव आप देख रहे हैं वहाँ पर रोशनी पड़ते रहेंगी, जिसके वजह से क्या होता है, 6 महीना केवल यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव में क्या रहता है, दिन रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई कि पूरा अगर ये पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो कितना होगा, एक साल होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जा रही है पृथ्वी, तो ऊपर में केवल सूर्य का रोशनी जो है सीधा तौर पर पड़ रही है, इसीलिए क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, दिन रहेगा। जबकि यहीं पर अगर पृथ्वी है, मान के चलिए ये वाला एक्सिस है, तो यहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से दक्षिणी पोल में क्या होगा, यहाँ पर रात रहेगा, 6 महीना तक रात रहेगा। अब जब ये वाला सूर्य जो है एकदम इस ओर आ जाएगा, तब क्या होगा भाई, यहाँ पर बस उसके उल्टा हो जाएगा। ये वाला क्या है, एक्सिस है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट जो सर्कुलर पार्ट जो यहाँ पर है ये यहाँ आ गया, और ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। अब देखिए सूर्य का रोशनी कहाँ पर पड़ेंगी, इसको आप समझ लीजिए। देखिए सूर्य का रोशनी ऐसे जा रही है, ऐसे इस पर पड़ रही है, इस पर पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है। देखिए इस तरह क्या होगा कि ये वाला जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर रोशनी पड़ रही है, लेकिन उत्तरी ध्रुव में नहीं जा पा रहा है। कहां से, यहां से, यहां से जब पृथ्वी चलना प्रारंभ की तो धीरे धीरे यहां पर एकदम अंधेरा हो गया, और यहां से यहां तक जब तक यहां तक नहीं आएगी तब तक यहां पर दिन हो ही नहीं सकता है। मतलब कि यहां पर 6 महीना अंधेरा रह जाएगा, यहां से यहां तक जो है 6 महीने उजाला रहेगा, लेकिन यहां से यहां तक में क्या रहेगा, 6 महीना अंधेरा रहेगा। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां से यहां तक उजाला रहेगा और यहां से यहां तक अंधेरा रहेगा, क्लियर। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है,
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम भी है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर, 1-2 महीना घट सकता है, 1-2-4 दिन घट सकता है, कभी कभी दिन हो सकता है। क्लियर, क्योंकि पृथ्वी जो है एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में जो है, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ ले आते हैं, पृथ्वी जो है यहाँ ले आते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर है। अब ये जो ऊपर में जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो पार्ट, यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, ग्रीनलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, अलास्का है, ये सब देश है। और वहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में एकदम दिन ही रहेंगी, तो कहीं कहीं पर क्या होगा कि केवल यहाँ जब पृथ्वी जो है यहाँ पर आ जाएंगी, मतलब कहाँ पर, इसी जगह पर इधर रहेंगी, तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा रात हो जाए, लेकिन यहाँ पर रहेंगी तो सीधा तौर पर एकदम दिन रहेगा, क्योंकि सूर्य का रोशनी जो है सीधा तौर पर जा रही है, क्योंकि पृथ्वी 47.5 डिग्री झुकी हुई है, तो कहीं कहीं पर रात हो सकता है। ऐसा बात नहीं कि 6 महीना में होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर। लेकिन आपको ध्यान में इतना जरूर रख रहा है कि 6 महीना दिन रहेगा और 6 महीना रात रहेगा, कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। किसके वजह से, क्योंकि पृथ्वी 47.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, क्लियर, इसी की वजह से। चलिए बात समझ में आई, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कहां पर होता है। ये देखिए, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और ये वाला है साउथ पोल। तो यहां पर तो भाई अंटार्कटिका है जो बर्फ से ढका हुआ है। हाँ, आपके मन में थोड़ा सा सवाल आ सकता है कि भाई अगर यहां पर लगातार 6 महीना दिन हो रहा है, कहां पर, अगर यहां दक्षिणी ध्रुव में अगर लगातार 6 महीना दिन हो रहा है तो यहाँ का तो बर्फ जो है पिघल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता भाई, इसलिए नहीं होता है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर या फिर उत्तरी ध्रुव पर सीधे तौर पर एकदम सीधा सीधा रोशनी नहीं पड़ती है, जिसके वजह से बर्फ पिघलता नहीं है। जैसे कि ग्रीनलैंड है, फिनलैंड है, ये भी बर्फीला एरिया है, ये भी बर्फीला एरिया है, पिघलेगा नहीं क्योंकि सूर्य का रोशनी एकदम सीधा इस पर नहीं पड़ रही है। जैसे कि सपोज कीजिए कि सुबह का 8 बजता है 7 बजता है या फिर शाम का 4 बज रहा है 5 बज रहा है, तो उस समय हम लोग को उतना गर्मी लगता है, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य का रोशनी सीधा तौर पर हम पर नहीं पड़ रही है, लेकिन 11-12 बजे जो है एकदम सीधा रोशनी हम ही पर पड़ने लगता है, पृथ्वी पर आने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर तिरछा पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से रोशनी निकलेगी तो तिरछा ही पड़ेगा, इसीलिए ये ठंडा एरिया है। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दिन और रात 6-6 महीना का क्यों होता है, सारी बात समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।